नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में यदि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होती है, ग्रेजुएशन में कितने प्रतिशत पाना अनिवार्य है एडमिशन के लिए, और क्या 50% से कम अंक वाले बीएड कर सकते हैं या फिर नहीं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक होना अनिवार्य है। इससे कम अंक वाले बीएड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, जनरल और ओबीसी वाले। साथ ही अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कोर्स कर रखा है, तो अगर पीजी में आपके 50% है तो भी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पीजी या फिर अंडर ग्रेजुएट, दोनों में आपके 50% किसी में भी हैं तो आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट। वहीं मैं बात करूं, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीटेक या फिर बीई किया है यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो आपको ग्रेजुएशन में यानी कि बीटेक या बीई में कम से कम 55% अंक हासिल होना चाहिए, तभी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। बात करेंगे एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। दोस्तों, यहां पर इस नोटिफिकेशन में एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन में कितने प्रतिशत की बाध्यता है, इसके संदर्भ में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। आप दूसरा नंबर पॉइंट देख सकते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बीई एवं बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता, यानी कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और आपने ग्रेजुएशन या फिर पीजी कुछ भी कर रखा है, इसमें प्रतिशत की बाध्यता इस नोटिफिकेशन में नहीं रखी गई है। साथ ही अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो आपको न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो ग्रेजुएशन में 50% पाना अनिवार्य है, अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 45% से अधिक अंक पाने पर दृष्टिबाधित अभ्यर्थी भी बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।